एक तरफ मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद के माध्यम से प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि धरातल पर उनकी मंशाओं पर पलीता लग रहा है, जहां पर पुलिस प्रशासन और जिले में नवागत पुलिस अधीक्षक विकास सहबाल को चुनौती देता बरेला पुलिस थाना। रायसेन जिले में पुलिस के प्रति अपराधियों में खौफ खत्म हो चुका है। रायसेन जिले की बरेली तहसील के बरेली शहर की कमान संभाल रहे थाना प्रभारी अमरीश बोहरे की कार्य क्षमता पर उठे सवाल। लगभग 120 घंटा बीत जाने के बाद भी दिनेश यादव नामक युवक को ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जहां पर बरेली थाना प्रभारी का अपराधियों को बढ़ावा। बरेली पुलिस बनी अपराधियों की मददगार, वहीं दूसरी ओर 4 लाख की चोरी का मामला भी सामने आया है। बरेली में जब से थाना प्रभारी बोहरे आए हैं, तब से बड़े अपराध नहीं हो पा रहे हैं, जहां पर अपराधियों पर काबू है। और देखा जाए तो बरेली नवीन थाने के सुंदरीकरण को लेकर भी अपराधियों में लगातार सटोरियों तक से वसूली अभियान जोरों पर है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रायसेन से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।